the government to raise the cause of the Tamils. And that is the thing that we have come today, all activists who are associated with HRDI or other human rights organizations have today come together and showing solidarity that we will all raise voice for the Tamil issue. That is the purpose. Through this, we will put one presentation and give a press release to the media and write to the world global human rights organizations and even United Nations and Government of India to take up this cause and stop massacre of any civil Tamilians. Though friends has told that we are not supporting any LTT or any terrorist organization, but innocent Tamil civilians, a population of Sri Lanka, should not be harassed and their democratic rights should be restored and no violation to, should take place. This is the purpose of today's meeting. We will now give to the High Commissioner our representation. I'll request the IG also. दोस्तों, कोई भी बड़ा सफर, कोई भी बड़ी जर्नी पहले स्टेप से चालू होती है। कोई भी बड़ा काम करने के पहले उसकी शुरुआत करनी होती है। तो आज श्रीलंका के अंदर जो हो रहा है, जो हम सभी ने देखा, जो सबको मालूम था, परंतु जो अभी टीवी की डॉक्यूमेंट्री आई, यहाँ पर सब लोगों ने देखा उसमें कि कैसे एक बिल्कुल इनोसेंट से आदमी को, जो कि एक लड़के को उसकी जमीन पर लेटा था, पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर उसको शूट किया गया। तो कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा था। मुझे लगता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इनएलिनेबल है। मतलब आज जो हमारी प्रोटेस्ट है वह ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ना कि किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को। कई लोग कहते हैं कि आप श्रीलंका, तो अगर श्रीलंका के ह्यूमन राइट्स में आप दखल करेंगे तो आपके ऊपर भी उसका असर होगा, ऐसे कई लोग कहते हैं। मगर हमारी कोई भी जो सपोर्ट है वह LTTE को नहीं है, कोई टेररिज्म को नहीं है। जब वहाँ टेररिज्म खत्म हो गया और वहाँ पर अभी भी तमिल जनता को सेकंड क्लास सिटीजन, मतलब वो ह्यूमन ही नहीं माने जा रहे, वो तो माने जा रहे हैं कि वो LTTE की एक्सटेंशन, वो ऐसी बात नहीं है। और हमें, मुझे लगता है कि आज हम सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं वह एक तरह से एक वेकअप कॉल है कि गवर्नमेंट को भी और जो बाकी जो ह्यूमन राइट्स की एजेंसीज हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लिए लोग उठाते हैं, वह भी इस बात को देखेंगे। सिर्फ ह्यूमन राइट्स ये नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटीज के, इंडिया के अंदर ये फैशन है जब ह्यूमन राइट्स की बात करो तो ह्यूमन राइट्स की बात करो सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम की या किसी और माइनॉरिटीज की। मतलब जहां अपने हिंदुओं की बात करना, जो नॉन मुस्लिम नॉन क्रिश्चियन उनकी बात करना भी हमारा फर्ज बनता है। और किसी भी ये की भी ये सेकुलरिज्म नहीं माना जाएगा इत्यादि, यह बात हमें रोकनी नहीं चाहिए कि ह्यूमन राइट्स के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए। आप आए हैं सब इस गर्मी के अंदर भी, ये आप सबका स्वागत है। हम जो HRDI वाले हैं, हमारे बाकी कार्यक्रमों के अंदर भी आप आया करें। अभी 3-4 कार्यक्रम हाल के अंदर हुए, अभी इंडियन डायस्पोरा के अंदर एक कार्यक्रम किया, जहाँ से कई देशों से, मॉरिशियस जहाँ पर भी इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन के लोग हैं, वहाँ से लोग आए थे। आप हमारे कार्यक्रमों में आए, हमेशा हमारा साहस बढ़ाए, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। HRDI, डॉक्टर प्रमोद शास्त्री, HRDI किसी भी प्रकार के आतंकवाद के विरोध में है। लिट्टे ने जो आतंकवाद यदि वहां किया, उसका जवाब जब श्रीलंका की सेनाएं दे रही थी तो HRDI सड़कों पर नहीं था, क्योंकि HRDI का मानना यह है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए हथियार उठाकर किसी भी निहत्थे को मारना यह भी आतंकवाद है। लेकिन सेनाओं के द्वारा निहत्थे खाना बना रही महिला को घर से खींचकर गोली मार देना, क्या ये आतंकवाद नहीं है? ऐसे आतंकवाद का हम विरोध करते हैं। और ऐसे देश में जहां तमिलों की संख्या बहुत बड़ी है, जिस देश को बनाने में तमिल्स ने बहुत योगदान किया है, आज यदि वो देश जिस रूप में उन्नति कर गया है उसमें तमिलों का जो योगदान रहा है उसको कोई नकार नहीं सकता। वो तमिल उसी प्रकार इज्जत पाने के हकदार है जिस प्रकार वहां सिंघली है। वो वही पैदा हुए हैं, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी वहां पल रही है। और आज जब वह आतंकवाद समाप्त हो गया, जब लिट्टे वहां समाप्त हो गया, तो उन बिल्कुल सामान्य नागरिकों को जो उस देश के उन्नति के लिए आज भी कार्यरत है, घरों से खींचकर छोटे छोटे बच्चों को, स्कूलों में जाते हुए बच्चों को
और सामने गोली उनके सीने में दाग देना, छोटी छोटी लड़कियों का बलात्कार करके उनको मार देना। अभी आप इन चित्रों में देखें जिस तरह से यानी कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है, इस तरह से ये देखें जिस तरह कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है, इस तरह लाशों के अलंबार लगा दिए गए। ये देखें नग्न करके, लोगों को नग्न करके मारकर, इससे ज्यादा अमानवीय घटना कोई हो सकती है क्या? और इस अमानवीय घटना पर जिस प्रकार आज हमारे साथ विश्वविद्यालय के यूथ निकलकर आए हैं, मुझे लगता है कि आज ये प्रारंभ है HRDI का। पूरे देश में इस प्रकार के आंदोलन खड़े किए जाएंगे और ऐसी अमानवीय घटना को, ऐसे अमानवीय अत्याचार को HRDI और हमारा भारतीय कभी सहन नहीं करेगा। हम निरंतर इसका विरोध करते रहेंगे। यह इस प्रकार की घटनाएं पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, मलेशिया में हो या श्रीलंका में, HRDI इनका विरोध करने के लिए कसरत रहेगा। इसीलिए मेरे साथ नारे लगाएंगे सब लोग, HRDI मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन, श्रीलंका डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, श्रीलंका डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, तमिलों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, तमिलों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, राजपक्षे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजपक्षे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अमानवीय अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अमानवीय अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मिस्टर, आई रिक्वेस्ट मिस्टर षणमुखनाथन टू प्रेजेंट सम वर्ड्स फॉर दिस कॉज। இங்கு கூடியிருப்பவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கங்கள். This is the language of Tamil people. So I just started my speech with Tamil language. Really, I am very much thankful to the people in the national capital to take up the cause of suffering Tamils in Sri Lanka. Though I am representing BJP here, BJP has got a clear view. We don't want to disturb the unity of Sri Lanka. We want only the united Sri Lanka. Number two, we are not for violence. We are not for the cause of LTTE. But we are very much concerned about the sufferings of the Tamil people. Lakhs and lakhs of Tamil people, especially the children, women, elderly people, they are all persecuted. The women force especially, their anger, their suffering cannot be explained in words. So it is very high time that the Indian government should take up this issue with Rajapakse. Rajapakse, as far as the people of Tamil Nadu are concerned, is a villain. They don't want the Rajapakse's...